आइए मेरे मेहरबानों, अब आपके सामने एक बहुत ही अच्छी बात उपदेश के रूप में पेश करेंगे भाई सुरेंद्र नागर सीसोन अठाठी जिला संभल से। उपदेश में बताया है कि हमें इस जिंदगी को जीते समय अनेक प्रकार की बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारी जिंदगी सफल पूर्वक कटती रहे। आइए सुनते हैं उपदेश में क्या बताया है भला। और इस उपदेश के साथ साथ जो संगीत को बजा रहे हैं हमारे साजेंद्र कलाकार भाई पंकज जी, जो हारमोनियम प्रसाद दे रहे हैं और ढोलक प्रसाद दे रहे हैं विकास राजपूत, और उन्हीं के साथ साथ संगीत के धुरंधर कलाकार जो नक्कारे प्रसाद दे रहे हैं भाई पूरन जी, और जो पैड बजा रहे हैं भाई आनंद। आइए सुनते हैं इस उपदेश को क्या बताया है। गिर दे पूरी हो सीख पराई, भाई भाई मैं फूट गिर दे पूरी हो सीख पराई, दुष्ट यार ते नफा नहीं रे, दुष्ट यार ते नफा नहीं चाहे कर लो खूब डराई, ये भाई भाई मैं फूट गिर दे होशी के पराई, भाई भाई मैं फूट गिरते बुरी होशी के पराई। सबे डंक मार जा मीठे बोल सारे, और ध्यान लगा के सुन लियो मैं कहता बोल करारे, मकान बनावने की खातर मत लेना दामे उधारे, बुरी होशी के पराई, भाई भाई मैं फूट गिरते बुरी होशी के पराई।
साथ छोड़ते मित्र होते खास नहीं। रहे बस टूटा करता बास वही। और है सच को आच नहीं रे, है सच को आच नहीं नू, ये दुनिया कहती आई ये भाई भाई मैं फूट गिर दे पूरी होशी के पराई। करे नित मिलता रहे उल्हाना। और पर त्रिया परे धन की तरफ ना चाहिए कभी लखाना, हे करनी का फले पड़े भोगना ना चाहिए गरीब सताना। आइए मेरे मेहरबानों, लास्ट बात में कवि महोदय ने बहुत सुंदर बात लिखी कि जिस परिवार में जिस घर में आज्ञाकारी पुत्र होगा और पतिव्रता नारी होगी उस घर में हमेशा लक्ष्मी वास करेगी। आइए। और आज्ञाकारी पुत्र हो घर में, करे कम लागे पास बीमारी। और मेहनत करके फल चाहवे करे पूरी आस गिरधारी, हे सब कवियों का दास रहे नित कहे जवर सिंह खारी। भाई मैं फूट गिर दे पूरी होशी के पराई, भाई भाई मैं फूट गिर दे पूरी होशी के पराई। और दुष्ट यार ते नफा नहीं रे, दुष्ट यार ते नफा नहीं चाहे कर लो खूब तराई, भाई भाई मैं फूट गिर दे सीख परा।